नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम कंपनी ला सब्जेक्ट के अंतर्गत जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले आवंटन के बारे में। आवंटन की परिभाषा, कंपनी अधिनियम में आवंटन की कहीं कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु भारतीय उच्चतम न्यायालय ने गोपाल जालान एंड कंपनी बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के मामले में परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। आवंटन का आशय कंपनी की पहले से ही अविनियोजित अंश पूंजी में किसी संख्या में अंश किसी व्यक्ति को विनियोजित करने से है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने गोपाल पेपर मिल्स बनाम आयकर आयुक्त कलकत्ता के मामले में लिखा है कि अंशों के लिए आवेदन कंपनी द्वारा उपलब्ध किए गए फार्मों द्वारा किया जाता है। जब आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे आवंटन कहते हैं। न्यायाधीश चिट्ठी ने बताया कि एक मामले में निर्णय देते हुए लिखा है कि अंशों के लिए आवेदन स्वीकार करने को ही आवंटन कहते हैं। बात करते हैं अब न्यूनतम अभिदान के बारे में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कोई भी सार्वजनिक कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु जनता को प्रविवरण से आमंत्रित करती है, वह कंपनी उन प्रतिभूतियों का आवंटन तभी कर सकती है जबकि उस कंपनी ने प्रविवरण में उल्लेखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त कर लिया है। न्यूनतम अभिदान राशि की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। नई जो अवधारणा है उसके अनुसार न्यूनतम अभिदान वह धनराशि है जो कंपनी ने अपने प्रविवरण में अभिदान की न्यूनतम राशि के रूप में दर्शाई है या लिखी है, जिसे निर्गम के बंद होने की तिथि तक प्राप्त करना उस कंपनी के लिए कानूनी अनिवार्यता है। न्यूनतम राशि की मात्रा, न्यूनतम राशि की मात्रा का निर्धारण सेबी द्वारा किया जाता है। कंपनी के प्रवर्तक, संचालक आदि निर्मित की जाने वाली पूंजी की धनराशि की मात्रा को निर्धारित करते हैं। सेबी की विनियमों में न्यूनतम अभिदान राशि की मात्रा को निर्धारण करने का सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के अनुसार निर्गमित निर्गम करने वाली प्रत्येक कंपनी को निर्गमित पूंजी की शुद्ध धनराशि नेट अमाउंट की 90% राशि न्यूनतम अभिदान राशि के रूप में प्राप्त करनी होगी। बात करते हैं अब हम अंशों के आवंटन के संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं और या फिर शर्तें हैं। तो अंशों के आवंटन के संबंध में लागू होने वाली व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक तो सामान्य व्यवस्थाएं या जो सामान्य शर्तें, और दूसरा कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं या शर्तें। बात करते हैं सबसे पहले सामान्य व्यवस्थाएं या शर्तें के बारे में, जिसके अंतर्गत आवेदकों को आवेदन पत्र पर स्वीकृति देना ही आवंटन कहलाता है और उसके वर्णसाप कंपनी और आवेदकों के बीच अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म होता है। तो अतः वैध अनुबंधात्मक संबंधों की स्थापना के लिए अंशों के आवंटन पत्रों पर स्वीकृति अर्थात अंशों का आवंटन उचित रूप में किया जाना चाहिए। इस हेतु आवंटन करते समय आवेदन पत्रों को स्वीकार करते समय जो नियम होते हैं उन शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है, जिसमें पहला आवंटन उचित अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। अंशों का जो आवंटन होता है कंपनी में उचित एवं प्राधिकृत उचित एवं अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, अंशों का आवंटन उचित समय में किया जाना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि स्वीकृति उचित समय में ही दी जानी चाहिए। यह बात अंशों के आवेदन पत्रों की स्वीकृति यानी आवंटन के संबंध में भी लागू
होती है। यदि कंपनी अंशों का आवंटन उचित समय में नहीं करती है तो कंपनी आवेदकों को उन अंशों को लेने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकती। नेक्स्ट, आवंटन की सूचना का सम्मान होना चाहिए। कंपनी जब अंशों का आवंटन कर देती है तो उसे आवंटन की सूचना आवेदक के पास अवश्य भेजनी चाहिए। ये नियम इस बात पर आधारित है कि स्वीकृति का संबंध आवश्यक है। यदि आवेदक को आवंटन की सूचना नहीं भेजी जाती है तो वह आवंटन से बद्ध नहीं होता है और वह अंशधार के रूप में उत्तरदायी भी नहीं होता है। नेक्स्ट, आवंटन शर्त रहित होनी चाहिए। कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन शर्त रहित होनी चाहिए। एक भी आवेदक अपने प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन की शर्तें लगा सकता है, किंतु कंपनी आवंटन के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं लगा सकती। यदि कंपनी आवंटन में कोई शर्त लगा देती है तो वह आवंटन व्यर्थ होता है। नेक्स्ट, अंश लेने के प्रस्ताव तथा आवंटन का खंडन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा 5 है के अनुसार किसी भी प्रस्ताव अथवा स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति का सम्मान होने से पूर्व पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, जबकि स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का सम्मान पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रतिफल। अंश का आवंटन वेत प्रतिफल के बदले किया जा सकता है। कोई भी कंपनी भेंट के रूप में किसी को भी कंपनी के अंश आवंटित नहीं कर सकती। यदि अंशों के आवंटन के बदले कोई ऐसा प्रतिफल नहीं दिया गया जाता है जिसका मुद्रा में मूल्य आंका जा सकता हो तो आवंटन कंपनी के अधिकारों से बाहर होने के कारण व्यर्थ होता है। अतः भेंट या दान में कंपनी के अंशों का आवंटन वैध नहीं होता है। अब बात करते हैं कंपनी अधिनियम की जो व्यवस्थाएँ और जो शर्तें हैं जो कि अंशों के आवंटन के संबंध में है। इसमें आता है कि प्रवीण के माध्यम से प्रतिभूतियों अंशों के आवंटन में संबंध में कंपनी अधिनियम में कुछ प्रावधान शर्तें प्रतिबंधों का उल्लेख होता है। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, प्रवीण का पंजीयन। जब भी कोई भी कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों के विधान के लिए क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करना चाहती है तो उसे प्रवीण का पंजीयन एवं निर्गमन करना होता है। इससे प्रवीण में कंपनी अधिनियम तथा सेबी के विनियमों द्वारा निर्धारित की गई सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट, संक्षिप्त प्रवीण के साथ आवेदन पत्र जारी करना। सार्वजनिक निर्गम द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाले प्रत्येक कंपनी को प्रतिभूतियों के अभिधान हेतु जारी किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रवीण भी जारी करना होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। नेक्स्ट, न्यूनतम राशि या अभिदान राशि। जनता को प्रस्ताव की गई प्रतिभूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्न शर्तों का पालन नहीं कर लिया जाता है। पहला, जैसे प्रवीण में उल्लेखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त कर लिया गया हो। सेकंड, न्यूनतम राशि के लिए आवेदन पर देय राशि का भुगतान हो गया हो और कंपनी द्वारा वह राशि चेक या अन्य विलेख से प्राप्त हो गई हो। धारा 39 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट, आवेदन राशि। आवेदन पर देय प्रतिभूति के अंकित मूल्य की कम से कम 5% होगी अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई इससे अधिक प्रतिशत यह राशि होगी। धारा 39 की उपधारा 2 के अनुसार। आवेदन राशि का भुगतान चेक या अन्य किसी विलेख से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होने पर आवेदन राशि की वापसी। कभी कभी कंपनी प्रवीण जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में न्यूनतम विधान की राशि आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी दशा में उस कंपनी को आवेदन पर प्राप्त राशि को निर्धारित की गई अवधि में लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, दंड। कभी कभी कोई कंपनी न्यूनतम राशि एवं आवेदन पर देय राशि को प्राप्त करने में सफल हो जाती है तो ऐसी दशा में कंपनी उस राशि को निर्धारित रीति एवं समय में लौटा नहीं पाती है तो कंपनी इसके प्रत्येक दोषी अधिकारी को प्रत्येक दोष के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन
कि अर्थदंड अथवा 1,00,000 रुपये के दंड जो भी कम हो तब तक दंडित किया जा सकता है जब तक ऐसा दोष चल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक प्रस्ताव से पूर्व स्कंद विनिमय केंद्र को आवेदन। प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाले प्रत्येक कंपनी ऐसा प्रस्ताव बनने से पूर्व एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्रों को आवेदन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवीण में स्कंद विनिमय केंद्र के नाम का उल्लेख। प्रवीण में उन सभी स्कंद विनिमय केंद्रों का नाम का उल्लेख किया जाएगा जिन्हें कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के पर लेन देन करने के लिए आवेदन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन राशि को रखना। आवेदन राशि के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि को अनुसूचित बैंक में प्रत्येक खाते में रखना होगा धारा 40 की उपधारा 3 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन राशि का उपयोग। आवेदन राशि का उपयोग भी निम्न उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी उपयोग में नहीं की जा सकती। पहला, प्रतिभूतियों के आवंटन की राशि के समायोजन के लिए ऐसा समायोजन भी किया जा सकता है जो कि जबकि प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए स्कंद विनिमय केंद्रीय केंद्रों की अनुमति मिल गई हो। नेक्स्ट, प्रवीण के अनुसार आवेदकों में प्राप्त राशि द्वारा सभी द्वारा निर्धारित अवधि में ही पुनर्भुगतान के लिए यदि कंपनी ने किसी कारण से प्रतिभूति का आवंटन नहीं कर सकी। नेक्स्ट, उपयुक्त शर्तों के पालन के मुक्ति की शर्त व्यर्थ। कोई भी शर्त जो उपयुक्त बिंदु 8 से 10 तक की जो प्रावधानों में के पालन में मुक्ति हेतु आवेदक से अपेक्षा करती है अथवा आवेदक को बाध्य करती है वह शर्त व्यर्थ होगी धारा 40 की उपधारा 4 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, दंड। यदि उपयुक्त 8 से 10 के प्रावधान जो धारा 40 के प्रावधानों का पालन करने में कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी को कम से कम 5,00,000 रुपये के तथा अधिकतम 50,00,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1 वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा कम से कम 50,000 रुपये के तथा अधिकतम 3,00,000 रुपये तक के अर्थदंड से अथवा दोनों ही दंडों से दंडित किया जा सकेगा धारा 40 की उपधारा 5 के अनुसार। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।